सर्दियों में समोसा चाट का मटर समोसा चाट का एक बहुत अलग ही मजा आता है खाने में। Hey guys, welcome to Food Impression by Kavita Baradia। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस वक्त अगर हमें मिल जाए मटर समोसा चाट तो क्या बात है। तो आइए बनाते हैं मटर समोसा चाट। बहुत इजी तरीके से क्विक रेसिपी है और डिलीशियस तो ऑफकोर्स होता ही है। तो सिर्फ जैसे खाना घर पे बनाए चुटकी में हम बदले आपके प्यार से। समोसा मटर चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे हमारी चटनी का। तो ये मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। इसका हम थोड़ा हेल्दी वर्जन करेंगे। मैंने लिया है 1 कप इमली जिसको मैंने अच्छे से भिगो दिया है और मैं इसके साथ खजूर और गुड़ दोनों यूज़ करूँगी। खजूर बहुत हेल्दी होता है, आप सभी को पता है। 1/2 कप खजूर और 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है गुड़। अब इन सबको हम 1 लीटर पानी के अंदर कुक करेंगे। तो अब इसमें हम डालते हैं ये खजूर जिसको मैंने भिगो दिया था करीबन 1 घंटे के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प और इसमें हम डालेंगे गुड़ और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में कुक करना है। इसको एक बार हम अच्छे से हिला देते हैं। जब तक ये हमारा उबल रहा है तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब हम तैयार करेंगे मटर का मसाला। इसको मैं कुक करूंगी घी के अंदर। इवन इसको ऑयल में भी कुक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून घी। घी हमारा गरम हो गया है और अब इसमें मैं डालूंगी ये है बारीक घिसी हुई अदरक। आप इवन बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हो। मैंने 1.5 इंच अदरक को जो है अच्छे से घिस लिया था। और ये 2 हरी मिर्च है तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इनको हम कुछ सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। यहाँ पे हम जो है मटर को इसी घी के अंदर कुक करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एकदम फ्रेश मटर। ये करीबन 2.5 कप मटर है मेरे पास। अब इसको हम मीडियम फ्लेम के अंदर कुक होने देते हैं ढक्कन लगाकर। जनरली मटर में खुद में भी पानी होता है तो उस पानी में भी ये कुक होता है। फिलहाल हम इसमें कोई वाटर ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। बीच बीच में हम ये जो मटर है इसको हिलाते हुए कुक करेंगे, स्टर कर लेंगे थोड़ा सा। जब तक हमारा मटर उबल रहा है और चटनी भी उबल रही है तब तक हम लगा लेते हैं समोसे का आटा। मैं यहाँ पे ली हूँ मैदा। आप इवन यहाँ पे मैदा और गेहूँ का आटा भी ले सकते हो, बट उसका रेशियो रखिएगा 70:30। यानी मैदा होगा 70% और 30% होगा आटा। ये मेरे पास 1 टीस्पून अजवाइन है जिसको इस ढंग से हम क्रश करते हुए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने 1.5 कप आटा लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ घी। आप इवन यहाँ पे मोयन के लिए ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून घी और डाला था। रीजन ये है जब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया उसके बाद हम ऐसे एक मुट्ठी बनाएंगे और अगर हम ऐसे रखते हैं और हल्का सा हाथ लगाने से ब्रेक हो जाता है इसका मतलब हमारा मोयन प्रॉपरली हो गया है। और अब इसमें एकदम ठंडा पानी डालकर हम एक डो लगा लेंगे। हार्ड डो बहुत ही ज़रूरी है, हमें सॉफ्ट डो यहाँ नहीं चाहिए। आप देख सकते हो मैंने डो को बहुत ज़्यादा नीड नहीं किया है, बस सारे जो आटा है जो हमने फ्लावर डाला था उसको एक साथ कर लिया है। गीले कपड़े से इसको ढक देंगे। मटर को एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखिए कितना अच्छा कलर आ रखा है इसमें। और इसमें अब मैं डालूंगी पुदीना। मैंने एकदम जो फ्रेश पुदीना है उसको बारीक चॉप कर लिया था वो इसमें डाल रही हूँ। और इसको अब हम स्टर कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा मटर जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, बट अगर आपका मटर ड्राई है, आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1 to 2 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड कर सकते हो। और अब मैं स्पैचुला की हेल्प से ऐसे हल्के हल्के हाथों से इस मटर को जो है ऐसे प्रेस कर दूंगी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक थोड़ा सा हम कम ऐड करेंगे। कम क्यों ऐड करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ आपको। फिर से हम ढक देते हैं और बीच बीच में स्टर करते हुए हम इसको कुक करने देते हैं। आप देख सकते हो करीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। ये हमने जो इमली का और खजूर का पानी चढ़ाया था बहुत अच्छे से इसमें बॉईल भी हो गया है और जो हमारा खजूर और इमली है वो भी सॉफ्ट एंड टेंडर हो गया है। इसको हम 10 मिनट और कुक करते हैं। खजूर और इमली का पल्प जो है अच्छे से मैशी हो गया है, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। और अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं। इसको हम प्रेस करते हुए इसका पूरा जो इसका जूस है वो निकाल लेंगे। तो अच्छे से इसको ऐसे हम प्रेस करते रहेंगे। ये देखिए हमारा मटर जो है बहुत अच्छे से कुक हो गया है और इसको अब हम अच्छे से जो है मैश कर लेते हैं।
और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून घी, और इससे हमारे मटर में बहुत अच्छी एक शाइन आ जाएगी। हमारा मटर जो है अच्छे से एकदम हो गया है, आपको दिखाती हूँ। देखिए मटर में कितनी अच्छी एक शाइन भी आ गई है। तो इस वक्त हम फ्लेम को करते हैं बंद और इस मसाले को होने देते हैं एकदम ठंडा। तो इसको आप चाहो तो थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हो। इसे अब हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम हमारी चटनी में लगाएंगे चॉप। मैं यहाँ पे ली हूँ 1 टीस्पून तेल। यहाँ पे तेल ही यूज़ करिएगा, घी बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, कुछ पिंच हींग के, और तुरंत हम डाल देंगे ये इमली का खजूर का पानी। इसे अब हम स्टवर कर लेते हैं और इसको हम कुक करेंगे तब तक कि ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा। हमें इसको जैसे कफ सिरप की जो कंसिस्टेंसी है उतना गाढ़ा करना है। ठंडा होने पर ये जनरली हनी की जो चिपचिपापन होता है उतना ये आराम से गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कुक होने देते हैं। अब हम बनाएंगे एक स्पेशल मैजिकल मसाला जो इस चाट को और ही जायकेदार बना देगा। आप इसको इवन अपनी सब्जियों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1.5 टीस्पून जीरा, और ये मैंने ली है साबुत लाल मिर्च, ये लिया है जायफल, थोड़ा सा जावित्री, एक चक्रफूल, थोड़े से दालचीनी, और इसमें मैंने लिया है ये साबुत काली मिर्च और 2-4 लौंग। तो इन सबको अब हम डालेंगे एक पैन के अंदर और इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक से 2 काम होता है, जो भी हमने ये साबुत मसाले डाले हैं उसका जो फ्रेग्रेंस है नमक इंटैक्ट रखता है, और जब हम इसको कुक करेंगे तो ये हमारे मसाले को बर्न नहीं होने देता है। तो इसको अब हम लो टू मीडियम फ्लेम के अंदर स्टर करते हुए कुक करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा एक अरोमा, एक अच्छा सा खुशबू इसमें आने लग जाए। एक और इंग्रेडिएंट जो मैं बताना भूल गई वो है साबुत इलायची। मैंने एक बड़ी इलायची इसमें डाली है। बहुत ही एक अच्छी एरोमेटिक खुशबू हमारे इस मसाले में आने लग गया है, यानी ये जो मसाला है हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब इसको एकदम पाउडर फॉर्म कर लेते हैं हम। ये देखिए चटनी भी हमारी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है, और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये मटर का मसाला मैंने फ्रिज में रख दिया था इसलिए अच्छे से ठंडा हो गया है। मैंने आपको कहा था मटर में हम नमक थोड़ा कम डाल रहे हैं, इसका रीज़न ये है, ये जो हमने मैजिकल मसाला हमारा बनाया है ये मैं इसमें अच्छे से डालूंगी इसमें। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा एक और एक टिप है आज, ये जो हमने मटर का मसाला बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से आप जो छोले होते हैं, हरे छोले होते हैं, उसका भी समोसा चाट बना सकते हो, और एकदम यही प्रोसीजर फॉलो करके वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे डो ने आराम से 20-25 मिनट तक रेस्ट ले लिया है। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा नीट और इसको एक छोटे छोटे पोर्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। समोसा चाट जब हम मटर का बनाते हैं तो ये थोड़े छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। इससे क्या होता है, जो हमने अंदर मटर की स्टफिंग की और बाहर में जो क्रस्ट है उसका दोनों का बैलेंस टेस्ट आता है। एक कटोरी में मैं ले लूँगी थोड़ा सा पानी। अब इन पेड़ों को जो है हम सिलेंड्रिक फॉर्म में, थोड़ा सा ओवल फॉर्म में हम इसको रोल आउट कर लेंगे। इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने मोइन अच्छे से कर रखा है, ना ही आपको ड्राई फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए हमने ये थिकनेस रखी है, ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली। मैंने एक बार 5 पैटीज को जो है इस ढंग से रोल आउट कर लिया है, और अब इनको हम बिल्कुल सेंटर से ऐसे कट कर लेंगे। अब इनके हम बनाते हैं समोसे। तो सबसे पहले हम पानी लेंगे और ये साइड में ऐसे हल्का सा हम पानी अप्लाई कर देंगे, और इनको उंगलियों के बीच में हम लेंगे और एक कोन बनाएंगे। बहुत इजी है बनाना, और इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे क्योंकि हमने 2 लेयर को ओवरलैप किया है। तो इस ढंग से हम अच्छे से प्रेस कर देंगे और फिर हाथों के बीच, देखिए मैं इस ढंग से हाथों के बीच इसको ले रही हूँ, और यहाँ से हम मसाला लेंगे और इसका एक छोटा सा हम बॉल फॉर्म में करेंगे, राउंड शेप में हल्का सा, और इसको हम अंदर के तरफ अच्छे से प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा फिलिंग जो है अच्छे से अपना शेप ले लेगा। और फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे अप्लाई वाटर। अब आता है
एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जिससे हमारा समोसा बिल्कुल परफेक्ट समोसा बनेगा मार्केट स्टाइल। ये जो यहाँ पे है हम यहाँ पे लगाएंगे एक फोल्ड, ये देखिए ऐसे मैंने एक फोल्ड लगाया, ठीक है, और अब इसको हम सील कर देंगे अच्छे से। ये देखिए एकदम अच्छे से हमने इसको सील कर दिया। समोसे का ये फोल्ड जो है इसी को ही समोसा लुक देता है और ये बहुत अच्छे से हमारा रेडी हो गया। ये देखिए हमने कुछ समोसे तैयार कर लिए, देखने में लग रहा है ना एकदम मार्केट स्टाइल। और अब हम ऑयल को मैंने यहाँ पे कर लिया गरम, ध्यान रखिएगा ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना हमारा समोसा जो है बहुत अंदर से कच्चा रह जाएगा और इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो अब इसको हम ऑयल के अंदर डालेंगे, फ्लेम को हम रखेंगे लो टू मीडियम और इन समोसों को हम कुक होने देते हैं। इन्हें हम तुरंत टच नहीं करेंगे, बस किसी एक स्पैचुला स्पून या छलनी की मदद से इस पर हम इस ढंग से ऑयल डालते रहेंगे। जब तक हमारा समोसा फ्राई हो रहा है हम एक और लास्ट काम कर लेते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ एक पैन के अंदर थोड़ा सा मटर का मसाला, इसमें मैं डालूँगी थोड़े से अदरक जूलियंस में कटे हुए, मैंने लिए कुछ हरी मिर्च, इसको मैं ऑयल के अंदर डाल देती हूँ हल्का सा इसको फ्राई करने के लिए, तो समोसे वाले ऑयल में मैं डाल देती हूँ। और इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, बीच बीच में हम समोसे को उलट पुलट भी कर देते हैं ताकि समोसा दोनों तरफ अच्छे से कुक हो जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मटर का मसाला का एक थोड़ा सा अलग सा मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बीच बीच पे हम समोसे को जो है उलट पुलट करते रहेंगे ताकि हर तरफ ये अच्छे से हमारा फ्राई हो सके। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे समोसे जो है एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा एक कलर भी इसमें आ गया है। बस 1 से 2 मिनट हम इसको और कुक करेंगे। मटर समोसा चाट बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए हमारे पास सब रेडी है, तो आइए अब इसको असेंबल करते हैं। यहाँ मैंने गाढ़ा दही भी ले लिया है जिसको अच्छे से मैंने फैट लिया था। तो सबसे पहले हम बोल में या जिसमें भी आपको सर्व करना हो इसमें हम डालेंगे ये दही। जो मटर का मसाला हमने प्रिपेयर किया था बाद में हल्का सा उसमें तड़का लगाकर मिर्ची के साथ, वो इसमें हम ऐड करेंगे। और अब इसमें हम रखेंगे हमारे समोसे। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हमारा समोसा, बहुत ही अच्छा बन के आया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये हमारी इमली खजूर की चटनी, श्रद्धा स्वाद के अनुसार। ये हमारे पास धनिया पुदीने की भी चटनी है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा हम डालते हैं इसके अंदर सेब और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हमारा मैजिकल मसाला। तो दोस्तों रेडी हमारी बहुत ही डिलीशियस यमी विंटर स्पेशल समोसा मटर समोसा चाट। तो जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी से। टिल देन कविता ब्रेडिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ये समोसा चाट को खाने का मजा है हाथों से, तो आइए टेस्ट करते हैं कैसा बना है हमारा। रियली वेरी नाइस, टू ट्राई दिस रेसिपी।